सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद से लखनऊ में सियासत गरमाई हुई है। इस बीच अखिलेश यादव सुबह ही मुख्यालय पहुंचे और उसके बाद वहां गोसाईगंज जेल के लिए रवाना हुए। जेल पहुंचकर उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस बीच पुलिस मुख्यालय के बाहर तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया। मामलों को लेकर ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही गिरफ्तारी की गई है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज था। मीडिया सेल के खिलाफ दो अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। मामले की विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट सर्विस प्रोवाइडर से सूचना एकत्रित करने के बाद गिरफ्तारी की गई है। धाराओं के बारे में भी जानकारी दी गई। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई नियमानुसार की गई है। उपरोक्त व्यक्ति ने समय समय पर मर्यादाओं की सीमा लांघते हुए ट्वीट किए गए। पत्रकारों के खिलाफ अशोभनीय अभद्र और जातिगत टिप्पणी करते हुए भी ट्वीट किए गए हैं। इस संबंध में उन्हें सभी बातें बताई गई। अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ दो अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है।